हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्पी डोसा की रेसिपी। लेकिन एकदम परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए जो डोसा बैटर है वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी कि डोसा बैटर है वो एकदम परफेक्ट कैसे बनाना है, जिससे कि आपका डोसा बहुत ही परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी बने और साथ ही ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो आप इस तरह से बैटर बनाएं तो जो डोसा है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए डोसा बैटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी ये छोटे वाले चावल लिए हैं, जो इडली डोसा चावल के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें कोलम चावल भी कहा जाता है। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हीं से इडली डोसा बनाया जाता है, तो ये चावल आप ले लें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चावल के लिए हैं। आप कप से मेज़रमेंट करें तो ये 1.5 कप चावल के लिए लें। साथ में धुली हुई उड़द दाल ली है 1/2 कटोरी, और आप कप से नापें तो ये 1/2 कप उड़द दाल की ले लें। और मेथी दाना लिया है, ये सूखी मेथी दाना है जो 1/4 छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर, ये भी डोसा को क्रिस्पी बनाता है। और नमक ले लेंगे स्वादानुसार। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर चावल डाल लेंगे। अब लो फ्लेम करके चावलों को 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से चावलों के अंदर का जो स्टार्च होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे जो डोसा है वो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो बहुत ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, जब हल्का सा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए उतना ही इसे रोस्ट करना है। तो आप देख रहे होंगे ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में उड़द दाल और मेथी दाना निकाल लिया है, और साथ में चावल हैं वो बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब इन्हें धो लेते हैं। धोने के बाद इन दोनों में हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इन्हें 6-7 घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए छोड़ेंगे। तो आप इन्हें ओवरनाइट भी सोख करके रख सकते हैं। 6-7 घंटा हो चुका है, चावल और दाल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, तो अब इन दोनों का पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद हम अब इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्राइंडर लूँगी और इसमें चावल को ग्राइंड करूँगी। डोसा बैटर के अंदर चावल और दाल का बहुत अच्छे से पीसना ज़रूरी है, तो चावलों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो 1/4 से भी कम पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखिए चावल बहुत अच्छे से पीस चुके हैं, तो इन्हें ऐसे चेक कर लें कि एकदम बारीक हैं क्या। तो ये बहुत अच्छे से पीस चुके हैं, क्योंकि चावल पतले हैं तो हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को हम चावल के साथ इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि दाल बहुत स्टिकी होती है और वो ऐसे बारीक नहीं पीसी जाती है, और यदि हम इस चावल के पेस्ट के साथ इसे पीसेंगे तो दाल बहुत बारीकी से पीसी जाएगी और साथ में जो घोल की कंसिस्टेंसी है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो इसे भी अच्छे से पीस लेते हैं। अब दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पीस लिया है और बहुत अच्छे से घोल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना फ्लफी घोल बना है, बहुत बारीक घोल बना है। तो अब हम इन्हें एक स्टील के पतीले में निकालेंगे। इडली डोसा का जो घोल होता है उसे आप फर्मेंट होने के लिए हमेशा स्टील के बर्तन में ही निकालें, यानी उसे स्टील के बर्तन में ही फर्मेंट होने के लिए रखें, क्योंकि स्टील के बर्तन में घोल काफ़ी जल्दी फर्मेंट हो जाता है। लेकिन यदि हमने इसे प्लास्टिक के या कांच के बाउल में निकाल दिया तो ये बहुत टाइम लेता है फर्मेंट होने में, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। अब आप घोल की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, तो यदि घोल की कंसिस्टेंसी सही है तो आप इसमें पानी ना ऐड करें, नहीं तो इसमें थोड़ा पानी अभी ऐड कर दें, बाद में हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो घोल है उसको ढक कर रख देते हैं। अब घोल को हम तब तक फर्मेंट होने के लिए रखेंगे जब तक ये अच्छे से फर्मेंट ना हो जाए, तो इसमें 6-7 घंटा भी लग सकता है, और यदि ठंड का मौसम है तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। घोल अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा घोल के ऊपर बबल्स आ गए हैं और ये काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए घोल की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक को भी अच्छे से इस घोल के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो घोल की कंसिस्टेंसी का भी एकदम अच्छे से ध्यान रखें कि ये सही है क्या। ये देखिए इस तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब इसका डोसा बना लेते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने तवा ले लिया है और अब इसे थोड़े से तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो तेल को एक टिश्यू पेपर लेकर अच्छे से पूरे तवे पर फैला दें। ज़्यादा तेल तवे पर ना डालें कि तेल से तवा है वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से घोल चिपकेगा नहीं तवे पर। तो इसके लिए हम इस पर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम तवे को गर्म कर लेंगे। तवा गर्म होने के बाद 1 गोल चम्मच का इस पर डाल दें और इस घोल को फैला दें।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से डोसा बन चुका है। तो अब इसे हम थोड़ा सा पकने देते हैं। आप देख रहे होंगे डोसा हल्का सा पक गया है, तो इसके कॉर्नर्स पर हम ये 1 चम्मच तेल का डाल लेते हैं। इससे डोसा है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके किनारे अपने आप ही छूटने लगते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसके किनारे चारों तरफ से उतरने लगे हैं। तो देख लेते हैं कि ये अच्छे से पक गया है क्या। ये देखिए नीचे से डोसा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा डोसा बन के तैयार हुआ है। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो चुका है। डोसा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही क्रिस्पी भी है। आप मार्केट से जो डोसा खाते हैं उससे कहीं अधिक टेस्टी होता है ये घर का बना डोसा। तो आप इस प्रोसेस से डोसा बनाएं, आपका डोसा बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।